हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुपर ऑडियो की ओर से आज आपके लिए लेकर आया हूँ पाइनियर के दो टूनर। एक डिजिटल टूनर है एंड दूसरा मैनुअल टूनर है। देख सकते हैं यहाँ पर पाइनियर FM AM डिजिटल सैनिटाइजर टूनर, मॉडल नंबर है F223। बाकी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डिस्प्ले के साथ ये टूनर आता है। मैं आगे आपको ऑन करके दिखाऊंगा पावर ऑन एंड ऑफ के लिए। और आप इसमें 1 to 12 एंड 13 to 24 स्टेशन मेमोरी के थ्रू सेव कर सकते हैं। मैंने तो कुछ 4-5 स्टेशन ही सेव किए हैं आपको दिखाने के लिए। बाकी ट्यूनिंग के लिए आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं या मैनुअल करना चाहते हैं? ऑटोमेटिक से वन प्रेस पे ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, मैनुअल से आप प्रेस कर करके सेट कर सकते हैं स्टेशन। FM मोनो के लिए यहाँ इंडिकेट होती है लाइट येलो कलर की। बाकी इसका डिस्प्ले है, देख सकते हैं 24 स्टेशन रैंडम प्रेस ऑटो ट्यूनिंग सिस्टम के साथ आता है। ये ट्यून्ड होने पर ग्रीन कलर की रेडी शो होगी, स्टीरियो पर रेड कलर की। बाकी आप प्रॉपर सेटिंग करेंगे तो ये स्टीरियो प्ले होगा। इसके माइनस के लिए ट्यूनिंग एंड ये प्लस, ये बैंड AM FM और ये मेमोरी सेट करने के लिए। पहले मैंने कनेक्शन अपर वाले एम्पलीफायर में किए हैं। आइए इसकी साउंड क्वालिटी पहले चेक कराता हूँ, फिर ये डाउन वाला आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं पावर ऑन, इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। ये स्टेशन आप 1-1 प्रेस करके सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और कोई स्टेशन लगाते हैं आप इसे प्रेस करके रखेंगे बटन को, तो देख सकते हैं डिस्प्ले ये सेट हो जाएगा। देख सकते हैं। हेलो, प्रदीप सर बात कर रहे हैं? हाँ भाई, कौन? प्रदीप। देख सकते हैं, और कोई स्टेशन लगाता हूँ प्रेस में, ये देख सकते हैं कि स्टेशन 95। बाकी आप इसे मेमोरी से भी सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं मेमोरी ये 13 है एंड ये 1, मेमोरी 1 देख सकते हैं। ये 2 स्टेशन मांग किस चीज के ले रहे हो भाई, बताओ तो सही, क्या कर दिया तुमने? ये जो था ना आपका जो नंबर, देख ये 3। अलग तुझ में सर कुछ है। ये 4 स्टेशन आज का मैं क्या करूंगा, मुझे दूसरा बना के दो फिर। अब वो ये 5 स्टेशन तैयार होके जाए, बहुत 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 भाई। अभी भी देखो कितना है सुब्रतो पार्क से मतलब वहां तक, ओए होए। और ये जाम जो है पड़ता ही जा रहा है मोनो एंड स्टीरियो के लिए। वहां रुक गया है जाके, देख सकते हैं जैसे आप ये 3 स्टेशन प्रेस करेंगे तो ये FM स्टीरियो एंड यहां से मोनो हो जाएगा। बाकी इसके AM के लिए AM लगाता हूं कोई स्टेशन AM का, और काफी अच्छी साउंड क्वालिटी है और काफी स्टेशन सेव कर सकते हैं। काफी क्लियर इसका FM है। अब AM मैं आपको दिखाता हूं, एम में कोई स्टेशन में भी आ रहा हो, देखते हैं। आई थिंक ये आएगा, एक स्टेशन आ रहा है एम में भी। बाकी FM में तो काफी सारे स्टेशन बहुत क्लियर प्ले हो रहे हैं, देख सकते हैं काफी क्लियर स्टेशन है। आइए अब इसमें डाउन साइड वाले एम्पलीफायर में, इसमें ट्यूनर में अपने एम्पलीफायर के और एंटीना वायर लगा के इसकी भी परफॉर्मेंस चेक करा देता हूँ। गाइस, मैंने ये डाउन साइड वाले एम्पलीफायर में कनेक्शन कर दिया, आइए दिखाता हूँ। इसके निडल में रेड कलर की LED है, देख सकते हैं इसका ट्यूनिंग के लिए। देख सकते हैं कि स्टेशन ऑस्ट्रेलिया ही नहीं हैदराबाद को भी ट्रॉफी थी जिताई। और भी स्टेशन लगाते हैं, ये जुगेंद्र चहल का तो कॉन्ट्रैक्ट भी शायद नहीं है, तो कुल मिलाकर उन्होंने इतना अच्छा देख सकते हैं काफी क्लियर इसकी FM की क्वालिटी है। सुपर से भी ऊपर जबरदस्त है। और भी स्टेशन देखते हैं,
डायरी होनी चाहिए, सचियां मोहब्बतां दी कोई डायरी होनी चाहिए। काफी अच्छी इसकी एफएम की क्वालिटी है, मैंने पावर डायरेक्ट ऑफ कर दी और काफ़ी सारे इसमें स्टेशन प्ले हो रहे हैं। ये अपर साइड वाला तो डिजिटल है, बाकी डाउन साइड वाला तो मैनुअल है। आप इसमें मैनुअली कर सकते हैं और इसमें आप डिजिटली कर सकते हैं, दोनों की अलग अलग वैल्यू है, मैनुअल की भी एंड डिजिटल की भी। आइए अब इनकी बैक साइड दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं गाइज, ये बैक साइड काफ़ी अच्छी कंडीशन है, दिखा देता हूँ। और यहाँ इसकी डिटेल दी हुई है, देख सकते हैं पहले ये साइड एम के एंटीना के लिए और ये ग्राउंड के लिए और ये एफएम के 75 ओम्स के लिए, बाकी ये 300 ओम्स इस साइड। और पाइनर ट्यूनर मॉडल नंबर है F223, ये देख सकते हैं मेड इन जापान, जैपनीज प्रोडक्ट है। बाकी ये यहाँ पर आपको अपना एम्पलीफायर लगाना है और डिटेल यहाँ दी हुई है, देख सकते हैं इसकी आउटपुट के लिए एंड कंट्रोल के लिए। और ये डाउन साइड वाले ये वोल्टेज सिलेक्टर पाइनर स्टीरियो ट्यूनर ये ट्यूनर मॉडल नंबर TX5580S और ये मेड इन जापान, ये भी मेड इन जापान का प्रोडक्ट है। ये यहाँ पर आपको एम्पलीफायर लगाना है लाइन आउटपुट में और ये एम के लिए, एम का ग्राउंड एफएम और यहाँ एफएम का एंटीना लगाना है। कंडीशन दोनों की बहुत अच्छी है। आइए अब इनका प्राइस बता देता हूँ गाइस, प्राइस बता देता हूँ मैं। ये अपर साइड वाला डिजिटल ट्यूनर या इसका प्राइस है 3500, 3500 रुपये में ये डिजिटल ट्यूनर मिल जाएगा पाइनर का अपर साइड वाला। और ये डाउन साइड वाला पाइनर का एनालॉग, इसका प्राइस बहुत रीजनेबल है 2500, केवल 2500 रुपये में ये डाउन साइड वाला आपको मिल जाएगा और 3500 रुपये में ये अप साइड वाला। आप दोनों में से जो भी आपको सूट करता हो, आप डिजिटल सुनना चाहते हैं मैनुअल, तो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी है एफएम एम स्टेशन। मैंने तो लेट नाइट वीडियो शूट कर रहा हूँ और ज़्यादा लॉन्ग एंटीना भी नहीं लगाया था, फिर भी काफ़ी अच्छे प्ले कर रहे थे। आप प्रॉपर एंटीना लगाएंगे तो साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। दोनों ही स्टीरियो ट्यूनर हैं, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है, जैपनीज दोनों ट्यूनर हैं। तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है आप मुझे बता सकते हैं, डिजिटल चाहिए या एनालॉग चाहिए आपको, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।